हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या फिर अदर कोर्स के स्टूडेंट हैं जिसमें यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने फिल किया है स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय या फिर उसे भरने से पहले या फिर उसके भरने के बाद आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों से सावधान रहनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके बताते हैं, जो कि ऑफिशियल तरीके से आपको लिख के बताया गया था, जिसकी जो इमेज है उसके माध्यम से हम आपको सूचना देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कई पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो सभी पॉइंट्स में अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे ये है कि शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपें। ठीक है, जो भी आपका शिक्षण संस्था है जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं उसमें जो स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करने जाएं तो वो किसी अन्य व्यक्ति को न दें, शिक्षण संस्था में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आपकी जब स्कॉलरशिप आएगी तो चेक किया जाएगा उसका स्टेटस कि किस तरीके से कहाँ पे स्कॉलरशिप आपकी आ गई है, तो इसलिए आप किसी को इस चीज़ के बारे में न बताएं, इसे किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपें कि हमारे संस्था में जाके जमा कर दीजिए। 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, आपको संस्था में खुद जाना है और अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके स्वयं जाना है और स्वयं जमा करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है कि अपने व्यक्तिगत विवरण अभिलेख यथा हाई स्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी को भी साझा न करें। ठीक है, यानी कि किसी को भी शेयर ना करें अपने व्यक्तिगत विवरण, यानी कि आपके जो व्यक्तिगत विवरण हैं, अभिलेख यथा हाई स्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पासवर्ड आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको छेड़छाड़ करके आपकी जो है स्कॉलरशिप कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है या फिर कोई भी जो नंबर है वो इधर उधर करके आपकी जो है वो डिटेल्स लीक कर सकता है, तो इससे आप हमेशा सावधान रहें। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है कि ये वाला पॉइंट आपका ध्यान दीजिए थोड़ा, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि का इंतजार न करें। इसे कुछ डिटेल्स में हम समझाते हैं आपको। देखिए दोस्त, क्या होता है कि अभी जो है वो आपकी स्कॉलरशिप की डेट अभी लगभग 1 महीने तक है, यानी कि आप 1 महीने तक लगभग आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे डेट सामने आती है, जैसे जैसे डेट करीब आती है, जितने साइट है वो सभी बिजी चलने लगते हैं और जो वेबसाइट है वो बहुत ही मुश्किल से खुल पाती है। इसलिए पहले ही अगर आप सभी रेडी किए रहेंगे तो केवल फाइनल सबमिट करके, और आप संस्था में जब भी संस्था वाले आपसे मांगेंगे फाइनल सबमिट का जो फॉर्म है वो, तब आप जो है वो संस्था में जो जमा कर सकते हैं। इसलिए पहले ही आप फॉर्म फिल करके सभी रेडी करके रखिए और फॉर्म का जो है वो फाइनल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसलिए लास्ट डेट का इंतजार ना करें, पहले ही सब फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, ये बात है आपको समझ में आई। नेक्स्ट है आपका अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन ना करें। जितने भी स्टूडेंट्स फेल हैं, जिनकी वाईबी लगी है या फिर फेल हैं, वो इस छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरें। ठीक है, ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है कि शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जब तक आप फाइनल प्रिंट नहीं निकालते हैं आपका आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जाएगा। समय सारणी में निर्धारित समयावधि में संशोधित करने के उपरांत भी संस्था में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिंट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरांत ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद से आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र छात्रा का ही होगा
एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी डिटेल्स भरें उसको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितने भी बार हो सके उतनी बार मिलान कर लें, क्योंकि फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पिछली बार बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे ऐसे मेरे जो है वो क्लासमेट थे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, सीधे नीचे रिजल्ट लिख दिया था आप उनका स्टेटस में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, अभी आप जो है वो चेक कर लेंगे तो आगे आपकी स्कॉलरशिप आने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है वह सारी डाटा आपको चेक करके और तभी फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यदि आपका डाटा संदेहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो संदेह के कारण आपका जो उत्तर साक्षर सहित आप अपनी संस्था के माध्यम से तत्काल जनपद स्तरीय अधिकारियों ब्रैकेट के अंदर है जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा बड़ वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को संस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि संदेहास्पद डाटा का अभिलेखों सहित उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता है तथा दिए गए उत्तर अभिलेखों में छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होती है तो जनपदीय अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के निर्णय प्राप्त करते हुए डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और एक बार अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। यहाँ पे आपको लिखा भी मिल रहा है कि छात्र ये बिल्कुल ना करें, यानी कि आपको जो है वो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है कि अंतिम तिथि का आपको इंतज़ार नहीं करना है, अनुत्तीर्ण छात्र जो है वो इसे ना भरें। उसके अलावा आप जो है वो सभी प्रविष्टियों को मिलान करते ही आप फाइनल सबमिट करें और संस्था को सौंपें। ठीक है, उसके बाद से जो रसीद है वो भी संस्था से आपको लेना है, और बाकी सारी डिटेल्स मैंने वीडियो बना के आपको बता दी। अब क्या क्या छात्रों को करना है इसके संबंध में भी हमने वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। और एक ज़रूरी सूचना इसे ज़रूर सुनिए कि हम एक मोटिवेशन चैनल भी चलाते हैं जिसपे हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि उनको अपने जीवन में पढ़ाई कैसे करना है, कैसे अपने लक्ष्य को पाना है, कैसे जो है वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को, कैसे बोलने के ढंग को आप सुधार सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने मोटिवेशन चैनल पे बताते हैं। फ्री में आपको सारी वीडियोस मिलती हैं, फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी वीडियोज़ को, सभी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिलेगा, डायरेक्टली जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को देखिए, या फिर यूट्यूब पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मोटिवेशन वाले भैया, आपको एक चैनल मिलेगा, सबसे पहला चैनल जो हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सदस्य ज़रूर बनिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स में इस वीडियो को भेजिए ताकि स्कॉलरशिप आने में उनको कोई भी दिक्कत ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।